हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मारुति सुजुकी बलेनो के बारे में। ये बलेनो का डेल्टा वेरिएंट है जो कि मोस्ट वैल्यूएबल मनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सारे फीचर्स के बारे में, इंजन ऑप्शंस के बारे में, प्राइस के बारे में। वीडियो के अंदर जरूर देखना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी की के बारे में। डेल्टा में आपको फिजिकल की मिलती है सुजुकी का लोगो। इसमें आपको बटन्स मिल जाते हैं लॉक का और अनलॉक का। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। फ्रंट में से बहुत मस्कुलर और बोल्ड सी लगती है। अगर इसके हेडलैम्प्स की बात करें, यहाँ पे आपको सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं येलो लाइट में। इधर टर्न इंडिकेटर और इसके ऊपर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं, और इसके अंदर आपको क्रोम की फिनिश एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं जगह जगह पर। ऐसी कुछ इसकी ग्रिल आती है ब्लैक कलर में, जो ये क्रोम की फिनिश सुजुकी का लोगो, जो क्रोम का ये एलिमेंट है, ये एसेसरीज का पार्ट है नंबर प्लेट की जगह। इस वेरियंट में आपको फॉग लैम्प ऑफर नहीं होते। अब हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। ऐसे कुछ लगती है साइड में से। यहाँ पे इसकी ORVMs आ जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर। ये इनका फोल्ड, अनफोल्ड और एडजस्ट भी आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। इधर इसके डोर हैंडल्स आ जाते हैं। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं, जो क्रोम का एलिमेंट है, ये एसेसरीज का पार्ट है। इस वेरियंट में आपको स्टील रिम ऑफर होते हैं विद व्हील कैप, जिनकी प्रोफाइल है 185/65R15 इंचेस की स्टील रिम। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, और ये रूफ रेल भी सारी एसेसरीज का पार्ट है, ये भी एसेसरीज का पार्ट। अब हम चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। रियर में से भी एग्रेसिव और बोल्ड सी लगती है। यहाँ पे इसके ऊपर की तरफ इसका एंटीना जाता है, स्टॉप लाइट। विंडशील्ड पर आपको सिर्फ डिफॉगर मिलता है, वाइपर नहीं मिलता। बलेनो की बैजिंग, ऐसे कुछ इनका टेल लाइट्स का डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स करने की लाइट, और ये सारी LED सेटअप में, ये वाला पार्ट जो कि बूट तक आता है, 2 रिफ्लेक्टर्स, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, और जो क्रोम का एलिमेंट देख लो आप जगह जगह पर, ये या ये या ये वाला, ये सारे एसेसरीज का पार्ट है। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। एसएस का डोर आता है ब्लैक एंड ब्लू कलर में। यहाँ पे आपको डोर ओपनर मिल जाता है ब्लैक में, चारों पावर विंडोज के कंट्रोल, ड्राइवर विंडो, आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन मिल जाती है, चाइल्ड लॉक, लॉक और अनलॉक करने के लिए, ORVMs को फोल्ड और ये अनफोल्ड करने के लिए, ये एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको वाटर होल्डर, कुछ सामान रखने के लिए, स्पीकर। सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए, यहाँ पे आपको मैन्युअली एडजस्टेबल मिल जाती है। इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती। यहाँ पे आप इसके फिजिकल की इंसर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलाइट लेबलर, एसी वेंट। यहाँ पे आपको फैब्रिक में सॉफ्ट टच मिल जाता है इधर भी। ऐसे कुछ इसका स्टेयरिंग व्हील आता है। यहाँ पे आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको म्यूट मोड, ये कॉल्स के वॉइस कमांड। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो, चारों तरफ क्रोम की फिनिश। इस तरफ इसके वाइपर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, इस तरफ इसके हेडलैम्प्स के कंट्रोल। ऐसे कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। इधर आपको RPM मीटर मिल जाता है, ये वाला, जिसकी मार्किंग 8 तक है। इधर स्पीडोमीटर, EMID, अगर आपको MID कंट्रोल करनी है इन नॉब से और इस वाले नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम, टेम्परेचर, फ्यूल। तरफ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है, जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB, ब्लूटूथ रेडियो, और ये यानी शॉर्टकट कीज हैं ये इसी के रिगार्डिंग, वॉल्यूम, पावर का, म्यूट सेटिंग्स। इसके नीचे 2 AC वेंट्स, हेजल लाइट का बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। बलेनो के बेस मॉडल से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलना ऑफर हो जाता है। सारे वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे कुछ स्टोरेज, 12 वोल्ट का पोर्ट, USB का पोर्ट, 5-speed गियर नॉब, मैनुअल हैंड ब्रेक, इधर कुछ स्टोरेज। इस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट ऑफर नहीं होता है। इस तरफ इसका ग्लव बॉक्स आ जाता है, इतने कुछ इसकी स्टोरेज है। यहाँ पे आपको ब्लैक की, ब्लैक कलर, ब्लू और इधर सिल्वर की फिनिश मिल जाती है। ऊपर की तरफ सनवाइजर एडजस्टेबल विद नो टिकट होल्डर, कैबिन लाइट्स येलो लाइट में, सनवाइजर विद मिरर,
इस तरफ इसका मैनुअल डिपिंग आईआर भी आ जाता है, जो कि आपको मैनुअली एडजस्ट करना होता है डेनेट के अकॉर्डिंगली। अब मैं ड्राइवर वाली सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं पीछे कितना स्पेस है। यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल, डोर ओपनर ब्लैक में, सॉफ्ट टच फैब्रिक में, वाटर होल्डर कुछ सामान रखने के लिए, स्पीकर। रियर में आपको कोई एसी वेंट ऑफर नहीं होते, वो सिर्फ अल्फा और जेटा वेरिएंट में ऑफर होते हैं। पर नीचे आपको 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, इधर भी कुछ स्टोरेज और यहाँ भी, ये मैगजीन होल्डर दोनों सीट्स पे, कैबिन लाइट्स, ग्रैब हैंडल। इस वेरिएंट में आपको बीच में आर्मरेस्ट भी ऑफर नहीं होता, ना तो आप इन सीट्स को 60-40 रेशियो में स्प्लिट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि फ्रंट के हैं। अगर स्पेस की बात करी जाए, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस बच रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका बूट स्पेस। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिल जाता है, पार्सल ट्रे। इसमें आपको 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, कुछ स्टोरेज आपको इधर मिल जाती है काफ़ी, जो कि काफ़ी डीप है, और इधर भी। इसमें यहाँ पे आप कुछ हैंग कर सकते हैं। और जो उसका स्पेयर टायर है उसके नीचे, जिसकी प्रोफाइल है 185/65R15 इंचेस का स्टील रिम। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। बलिनो में आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम पावर निकालता है 66 किलोवाट की 6000 आरपीएम पे, और मैक्सिमम टॉर्क 113 न्यूटन मीटर 4400 आरपीएम पे। ये था मारुति सुजुकी बलिनो का रिव्यू। आपको गाड़ी कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, थैंक यू सो मच। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का।